खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के घुमा कटरा की है, जहां एक बार फिर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ओवरलोड ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, उसी ट्रक से सफारी गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि सफारी का अगला भाग चकनाचूर हो गया, वहीं एक युवक की मौत हो गई। अनिल पांडे उर्फ गुन्नी सतना से चाक घाट की तरफ जा रहे थे, जैसे ही कटरा बाईपास घूमा गांव के पास पहुंचे, तभी ट्रक रोड के किनारे खड़ा था, जिसे ना देख पाने के चलते पीछे से टकरा गया और घटना का शिकार हुए। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनकी मौत की सूचना आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के किनारे ओवरलोड वाहन खड़े रहते हैं, जिसके चलते आने वाले वाहन पीछे से टकरा जाते हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन घटनाओं को रोकने के लिए मौका मुआयना करता है, लेकिन रोड के किनारे खड़े वाहनों पर रोक नहीं लग पा रही है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जाने चली जाती हैं। ये जो फोर लेन है रोड है, इस पर ओवरलोड बारू स्थानीय लोग बता रहे हैं लदा है, ट्रक है, उसी से आके ये टकरा गई है। रात में ग्रामीणों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार पांडे है जी। जो गाड़ी पिता का नाम क्या है? पिता का नाम व्यासमन पांडे है। कहाँ के हैं आप? गंतीरा। ये जिनका ये एक्सीडेंट हुआ है, इनके बारे में क्या जानते हैं आप? ये पांडे जी है, सतना से आ रहे। क्या नाम है इनका? गुन्नी पांडे। पिता का नाम क्या था? राम निवास पांडे। अनिल पांडे उसे नाम लिखते हैं, ऐसा गुन्नी नाम से सब जानते थे। आए तो रात में आ रहे थे, ओवरलोड गाड़ी खड़ी थी, उनको लगा कि गाड़ी जा रही है, इसी धोखे में गाड़ी लड़ गई। अच्छा, धोखे से लड़ गई। ये सतना से आ रहे हैं, फिर इनको पता चला तो रीवा लेके गए हैं। हाँ, इनको जब पता चला यहाँ पर घर के आसपास जो है, वो दौड़े सब आके देखे, और देखने के बाद ये हुआ कि गाड़ी लड़ गई। अच्छा, ट्रक यहाँ पर ऐसे खड़े रहते हैं ओवरलोड? हाँ, ओवरलोड ट्रक खड़े रहते हैं, रोड में घटना होती रहती है, देखते रहे हैं। अभी बस भी लड़ी है टुकड़ी में, तो इसी तरह ट्रक खड़ा था। ये घूमा में ग्राम पंचायत घूमा थाना गढ़ है, में सफारी ट्रक से पीछे से टकरा गई है, जहाँ इस पर सुरक्षा व्यवस्था रात से 1 बजे से देख रहे हैं सहायक उप निरीक्षक गढ़ थाने के HD वर्मा जी। मैं इनसे बात करता हूं कि दुर्घटना के बारे में क्या जानकारी आपको है। सर, ये बताइए कि कल दुर्घटना रात को हो गई है, कैसे क्या हुआ है जानकारी? जानकारी ये है, अभी तक मानो जो जानकारी हमको मिली है यहाँ लोकल में, कि एक ट्रक है कम से कम करीबन 11 बजे से खड़ा हुआ था रात के, मतलब जो पब्लिक में जानकारी मिली है, तो वो खड़ा था बिगड़ी हालत में, इसके बाद पीछे से सफारी आई, उससे टकरा गई, इसमें 2 आदमी बैठे, एक गुन्नी पांडे करके हैं जो ढाबा चलाते हैं, उनकी शायद रीवा हॉस्पिटल में थी, कभी पता नहीं चला। ये ट्रक का नंबर मालूम है आपको? ट्रक का सफारी का ट्रक का नंबर मालूम है? क्या था? MP 17 EHH। फोटो बाद फोटो सामने अच्छे हैं, कैसे अलर्ट हैं, कैसे फोटो बाद वीडियो वाले से बना, कैसे वीडियो शुरू कर दे बनाओ। हाँ, पूरा ऐसे ऊपर चारों तरफ की घुमा लें, सफारी के नंबर तो नोट नहीं करें। बागेश्वर धाम भी है ना? बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम कहीं अगर है लाला तरफ से खींचना पूरा।
अरे फोटो बाद फोटो सामने एक है कैसे रहा लेट है कैसे फोटो बाद वीडियो वाले से बना एक ऐसी वीडियो शुरू कर दे बनाओ हाँ एंथाइन से पूरा ही से ऊपर चारों तरफ की घुमा लें से सफारी के नंबर तो नोट नहीं करें Thank you.